कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के समय अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर को अपना प्रमुख प्रवक्ता बनाया है। ये प्रवक्ता भारत को विखंडित करने का, भारत को कमज़ोर करने का वक्तव्य देते हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बनाकर भारत को धमकाते हैं। उनका तात्पर्य है कि विभाजनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करके वो वोट प्राप्त करेंगे, इसलिए वो सैम पित्रोदा का काम में लेते हैं और पाकिस्तान को मजबूत बताकर भारत के अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपनी ओर करेंगे, इसके लिए वो मणिशंकर अय्यर का नाम लेते हैं और फिर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उनके बयानों से किनारा कर लेते हैं। हमारा कहना है कि इन दोनों का वक्तव्य कांग्रेस पार्टी का ही वक्तव्य है और एक कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा मेरा कहना है कि कल माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वो हताशा और खुन्नस से भरा हुआ वक्तव्य था। खुन्नस उनको इस बात की है कि उनका बेटा चुनाव हार रहा है और हताशा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं देकर रायबरेली फार्म भराने जा रहे थे उनको अमेठी भेज दिया, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में स्टेटमेंट दिया। उनको याद रखना चाहिए कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उनसे प्रेरणा लेते हैं, इसलिए मोदी की गारंटी केवल एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की गारंटी है, ये मोदी जी बार बार कहते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनको राजनीतियों का काम नहीं है, उन्होंने लोकमत परिष्कार का काम किया है और वो एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था। जहाँ तक बूथ मैनेजमेंट का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले राउंड में अपनी पराजय पहले ही मान ली थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग मतदान करने ही नहीं आए, पोलिंग स्टेशन खाली रही और भाजपा बूथ स्तर तक मजबूत पार्टी थी, उन्होंने अपना पूरा मतदान किया है, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। मैं कह सकता हूं, वो कह रहे थे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को मान्यता प्राप्त विरोधी दल जितना स्थान भी लोकसभा में नहीं मिलेगा। बस जी जी मुख्यमंत्री जी बाहर हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और वह स्वयं सारे प्रशासन पर निगरानी रखे हुए हैं और सारा काम ठीक से चल रहा है। सचिन पायलट का एक बयान आया कि बाड़मेर में बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी, क्या कुछ काउंटर करेगी इस तरह से? मैं उनके स्टेटमेंट पर कुछ बताना नहीं चाहता, ये रिजल्ट अपने आप को बताएगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति होगी कि वो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल भी नहीं बनेगा। धन्यवाद।